आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। सो दोस्तों 30,000 में हमें मार्केट में इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमारा कंफ्यूज होना तो जायज है, कि हमारे लिए ना मुश्किल हो जाता है चूज करना कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना ज्यादा बेस्ट रहेगा। सो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 लैपटॉप बताऊंगी एंड उसके साथ मैं आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों का ना ब्रांड प्रेफरेंस भी मायने रखता है, जैसे कि HP का लैपटॉप होना चाहिए, Acer का होना चाहिए या फिर Lenovo का होना चाहिए। लेकिन आप जब भी मार्केट में 30,000 का लैपटॉप बाय करने जाते हो तो कुछ क्राइटेरिया ना सेट करके जाना। कम से कम 8GB की रैम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो 4GB की रैम होती है वो आपका विंडोज ही यूज कर लेती है। दूसरी है रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होना चाहिए, विंडोज प्री इंस्टॉल होना चाहिए और इसी के साथ फुल HD डिस्प्ले भी होना ही चाहिए। सो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जो आपको अपने माइंड में जरूर सेट कर लेना चाहिए जब आप एक लैपटॉप बाय करने जाओ। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसके अंदर आपको MS Office प्री इंस्टॉल मिलने वाला है। इवन मैं आपको मेटल बॉडी वो भी 30,000 के बजट रेंज में ना वो भी रिकमेंड करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो जो पहला लैपटॉप है वो है Acer Extensa 15। ये लैपटॉप डेली यूज के लिए बेस्ट रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, कोडिंग के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए, फोटोशॉप, अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना चाहते हो तो उस चीज के लिए भी सबसे बेस्ट लैपटॉप है। इस लैपटॉप में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है और साथ ही Ryzen 3 का प्रोसेसर दिया गया है एंड लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7320UV है, और इसी के साथ आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स भी मिल जाता है। लैपटॉप के सारे स्कोर्स आपके सामने है, Cinebench, Passmark, Geekbench, ये सब आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। देखो इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल आपको Ryzen 3 5300U जैसी ही मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स रैम, क्योंकि जो इसकी रैम है ना वो आपको मिल जाती है बिल्कुल लेटेस्ट LPDDR5 रैम 5500 MHz वाली, एकदम ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। एंड जो इसकी रैम है वो एक्सपेंडेबल है, 512GB की आपको SSD मिलती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, और इसी के अंदर आपको Gen 4 SSD भी मिल जाती है, वो भी एकदम लेटेस्ट है, रीड एंड राइट भी आपको काफी ज्यादा फास्ट मिलता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है, MS Office लाइफ टाइम के लिए है, 5 घंटे तक आपको बैटरी बैकअप भी मिलेगा और 1 साल की वारंटी भी मिलती है। सो ये Acer का बेस्ट लैपटॉप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो आप डेफिनेटली लिंक पे जाके आप बाय कर सकते हैं। और इसी की सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर कोई दूसरा लैपटॉप आपको लेना है तो आप ले सकते हो Lenovo V15। इसके अंदर भी आपको Ryzen 3 7320U मिलेगा, 8GB DDR5 5500 MHz वाली आपको रैम मिल रही है, 512GB SSD मिल रही है, Gen 4, 15.6 की फुल HD इंटीग्रेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो आपको MS Office मिलेगा इस लैपटॉप के अंदर वो आपको सिर्फ 1 मंथ का ट्रायल बेस पे मिलेगा। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की, Infinix X2 Plus। ये वाला जो लैपटॉप है ना ये पिछले साल 2023 में ही लॉन्च हुआ है, बट अगर देखा जाए तो लैपटॉप की कैटेगरी में ये एक नया ब्रांड है, बट जो लैपटॉप के फीचर्स हैं वो 50,000 से 60,000 वाले लैपटॉप से कम नहीं है। लेकिन जो इस लैपटॉप का प्राइस है 30,000, उसके अंदर भी आपको मेटल बॉडी मिल रही है, जिसकी वजह से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, 111 5G 4 11th generation, और 2 cores and 4 threads भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर्स है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। 8GB 32 MHz वाली रैम आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे जो रैम है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, साथ ही आपको 256GB की SSD मिलती है जो कि एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 300 nits की ब्राइटनेस है और 100% RGB भी है। सो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस ग्रिड के अंदर आपको ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं मिलता जिसके अंदर आपको IPS LCD मिले, 3000 nits की ब्राइटनेस मिल रही है, 100% RGB भी मिल रही है। एंड ये 100% RGB के होने की वजह से जितना भी आपका एडिटिंग का वर्क है, कलर ग्रेडिंग का वर्क है ना, वो आपका आराम से हो जाएगा। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलते हैं इसके अंदर, बट आपका एक चीज है कि आपको MS Office नहीं मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा है, सुपर फास्ट चार्जिंग है, ये आपको चार्ज कर देगा 0 से 65% ही आपको 1 घंटे में चार्ज करके देगा, ऑल नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर। एंड इस वाले लैपटॉप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। सो बात करते हैं अपने थर्ड लैपटॉप की, Acer Aspire Lite। एंड इसके अंदर भी ना आपको सेम प्रोसेसर मिलता है जैसे Infinix में आपको मिल रहा था, इंटेल i3 111 5G 4 11th generation के साथ। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 30,990 का, और इसके अंदर भी आपको मेटल बॉडी मिलती है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, और इसी के साथ जो इसका रैम एंड स्टोरेज है ना वो भी एक्सपेंडेबल है। इसके अंदर आपको 8GB रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, 512GB Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड ये जो Gen 4 की SSD होती है ये लेटेस्ट SSD है, और इसके अंदर आपको रीड एंड राइट भी काफी ज्यादा फास्ट मिलता है एज कम्पेयर टू
Gen 3, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है और इसी के साथ आपको Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं, 4 से 5 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है विद नमपैड, ऑल नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर। अगर ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता है तो आप Lenovo iPad Slim 3 को भी कंसीडर कर सकते हो। सेम स्पेसिफिकेशन आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलती है, बस डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर आपको 256 GB की SSD मिलती है एंड इसके अंदर जो MS Office है वो भी आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की जो कि है Lenovo V15। एंड ये वाला जो मैं आपको लैपटॉप बता रही हूँ Lenovo V15, ये मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप है एंड जो इसका प्राइस है वो है 33,990 का। एंड ये लैपटॉप मल्टीटास्किंग के लिए क्यों बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है 4 कोर 8 थ्रेड के साथ ही आता है, AMD Ryzen 35 300U है, U सीरीज का प्रोसेसर है बट पावर एफिशिएंट प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल जाता है, 5-6 घंटे का आपको इसके अंदर बैटरी बैकअप मिल जाता है, ऑफिस यूज के लिए बहुत बेस्ट है, अगर आपको स्कूल कॉलेज कहीं पे भी कैरी करना है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है ये। 8 GB की रैम मिल जाती है 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB, 512 GB की SSD मिलती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 250 nits की ब्राइटनेस है, इसी के साथ आपको AMD ग्राफिक्स मिलते हैं, 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, फुल साइज कीबोर्ड है, ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की, Acer Extensa 15। इसका जो प्राइस है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, वो मतलब आपको कॉस्ट करेगा 34,000 के अंदर। इंटेल i3 N305 प्रोसेसर दिया गया है, 12 जनरेशन का, 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इन शॉर्ट आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलते हैं। 8 GB की रैम है विच इज नॉट एक्सपेंडेबल, 4800 MHz वाली रैम है, LPDDR5, 256 GB की SSD मिल जाती है, G4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल एंड यही वाला लैपटॉप आपको 512 GB के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 15.6 इंच की फुल HD अल्ट्रा सिम वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है और इसी के साथ आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स भी मिलते हैं, 5-6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है, ऑल नेसेसरी पोर्ट्स है। देखो एक ना बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको i3 11 जनरेशन के साथ जाना है तो आपको Acer या फिर Infinix, इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो, दोनों में ही आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। और अगर आपको लेटेस्ट 12 जनरेशन के साथ जाना है तो आप i3 का N305 भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको Ryzen के साथ जाना है तो आप Acer का Extensa 15 भी ले सकते हो, 7320U वाला। सो दोस्तों ये कुछ ऐसे 5 बेस्ट लैपटॉप्स हैं जो आप बाय कर सकते हो अंडर 30,000 में, अगर आपको डेली यूज के लिए चाहिए या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं, आप डेफिनेटली इनको कंसीडर कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी लैपटॉप्स का आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपने इनमें से कौन सा लैपटॉप बाय करा है एंड आपका क्या यूजर एक्सपीरियंस रहा है। एंड तब तक के लिए इतना ही, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।